Hi, this is Vishal Pandya and you are watching T-Series official YouTube channel. Keep watching. दिल में तुम हो, धड़कन में तुम हो, मेरी हर राह की मंजिल भी तुम हो. अब और इसके आगे मैं क्या कहूँ? मेरे जीने की वजह तुम हो. I had this concept from last 6 years, and but बीच में क्या? Because I was going to really bad time in 2010. तभी क्या होता है कि यू गो टू मैनी प्रोड्यूसर्स बट दे डोंट रियली एंटरटेन यू. चाहे अगर आपके हिट हो जाए तो आपकी बुरी स्क्रिप्ट को भी जैसे इट्स फैंटास्टिक और अच्छी स्क्रिप्ट को भी बोलते हैं कि यार बहुत अच्छी है. इट्स अबाउट जस्ट फ्राइडे टू फ्राइडे. बट आई हैड दिस स्क्रिप्ट एंड बेसिकली तो मैंने उसी टाइम छोड़ दी थी बीच में. बट आई वॉन्टेड टू मेक दिस फिल्म. बट आफ्टर हेज स्टोरी 3 गॉट डन एंड आई जस्ट आई मेट भूषण जी से लाइक बिकॉज फर्स्ट वी वॉन्टेड टू मेक हेज स्टोरी 4. But I told him कि सर यू नो वट आई नीड सम ब्रेक एक्चुअली बिकॉज एज स्टोरी 2 हेज स्टोरी 3 लगे नहीं कि मैं यही कर सकता हूँ. आई हैव मोर टू इट. सो ही सेड यार ठीक है डन एंड लाइक देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू. सो आई गेव हिम दिस नरेशन एंड ही सेड विद इन 2 मिनट्स आई जस्ट स्टार्टेड द प्लॉट इज लाइक फैंटास्टिक बिकॉज मैं हैकिंग वैकिंग बताने लगा तो लाइक इट्स समथिंग न्यू. एंड ये ड्यूरिंग द ट्रेलर ऑफ हेज स्टोरी 3 के टाइम मैंने उनको किया था एंड ही सेड इट्स फैंटास्टिक एंड यू कैन गो अहेड विद इट. एंड आई थिंक फेब में तक मेरी स्क्रिप्ट भी रेडी हो गई थी विद इन 2-2.5 मंथ्स बिकॉज देन आफ्टर हेज स्टोरी 3 आई नो वर्क. आई ओनली वर्क वॉज वर्किंग वजह तू मो. सो आई मीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स विद इन 2 मंथ्स आई मीन विद डायलॉग्स विद स्क्रिप्ट नरेशन सब रेडी कर लिया. एंड बिकॉज एक होता है कि वैन यू वॉन्ट टू मेक अ सब्जेक्ट तो लिटरली यू गिव लाइक फुल टाइम. इट्स लाइक एजुकेशन वैन यू वॉन्ट टू स्टडी एंड यू वैन यू वॉन्ट सम डिग्री तो हाउ यू स्टडी के लाइक डे नाइट खत्म करके यू वॉन्ट टू हैव डिग्री. इट्स एग्जाम काइंड ऑफ अ थिंग. तो एग्जैक्टली द सेम थिंग वॉज विथ मी और लिटरली वर्क हार्ड ऑन दैट सब्जेक्ट एंड पर्टिक्यूलर दिस सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू मी बिकॉज इट इज द फर्स्ट फिल्म विट आई हैव रिटन द स्क्रिप्ट विथ माई राइटर एंड इट्स वेरी क्लोज टू मी एंड या द वे आई मीन देन इट वी गिव बर्थ टू वजह तुम हो. आई डिडंट वॉन्टेड अ थ्रिलर टाइटल एट ऑल. आई वॉन्टेड अ टाइटल जहाँ पे सभी लोग कनेक्ट करें. एवरी एज ग्रुप शुड कनेक्ट. नॉट लाइक अच्छा एक यंग लोग कनेक्ट कर रहे हैं या कुछ टाइटल लेके आऊँ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज वाले कनेक्ट करें. आई वॉन्टेड अ टाइटल जहाँ पे सब लोग कनेक्ट करें. एंड वजह तुम इज सच ए ब्यूटीफुल रोमांटिक टाइटल बाय द वे. एंड जस्ट इमेजिन गेटिंग अ रोमांटिक टाइटल विद थ्रिलर इनटू इट. इट्स समथिंग अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. एंड जब वजह तुम सॉन्ग आउट हुआ था एंड इट वॉज अ ह्यूज हिट फ्रॉम हेज स्टोरी 3 तो मैं सुन रहा था. एंड जब वजह तुम जब गाना आया आई सेड दिस थ्री वर्ड इट्स अ मैजिकल वर्ड एंड आई मीन आई नीड टू. इट्स अ फैंटास्टिक टाइटल. So I still remember I called Bhushan ji and he was in Dubai and I told him because sir a mind blowing title hai. Tumhe kaun sa? He said Vajah Tu Ho. MK Vishal ne socha hi nahi apt super hit title hai ki abhi register kar. And that way we got the idea and of course sir the script to main bana hi raha tha to script ko bhi title ne main compliment diya aur title ko bhi script ne compliment diya and the way it has come out to both together and it's coming out fantastic. Actually, I had promised Sharman that I want to work with him because I think he's one of the finest actor I've worked with, and I think even the industry knows it. Okay, he's one of the finest actor. But when I narrated him the story, Munko bola tha ke doing the story ke like apne isme you won't get the song. And firstly, ke acha because after Hey Story 3 mein jo song mila tha, song ke andar jo karne mila tha, wo isme bilkul nahi tha. He's playing a father and he's got a beautiful like 6-7 years old daughter. बट आई प्रॉमिस्ड हिम के यू नो वॉट कि अगर सॉन्ग नहीं दूंगा बट आई गिव यू अ फैंटास्टिक ह्यूमर लाइन्स जहाँ पे ट्रेलर में हो या मूवी में जब जब आएगी ना पीपल आर गोइंग टू लाइक सिटी बजाओ लाइन्स दूंगा. एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि आफ्टर व्हेन द ट्रेलर हैज बीन आई मीन इट्स व्हेन इट्स आउट पीपल आर लविंग इट. एंड आई थिंक द एंड द वे ही सेज द लाइन बिकॉज द व्हेन आई मेंशन के इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर एंड इज प्लेइंग द कॉफ फॉर द फर्स्ट टाइम तो ही हैज टेकन हिज कैरेक्टर टू द अदर लेवल. कमिंग टू गुरमीत गुरमीत हैज़ प्लेड राम इन टेलीविजन और सडनली राम को ये अवतार में देखो 2016 का राम देखो कि लाइक एब्स वैब्स एंड ऑल मतलब शर्ट वर्ट खोल रहे हैं एंड ऑफ कोर्स फ्यू ऑफ द इरोटिक सीन्स तो उसमें भी अलग ही उनकी फैन फॉलोइंग है. एंड आई हैड गुरमीत इन माइंड बट एक होता है माइंड तो काफ़ी लोग मतलब माइंड में काफ़ी लोग एक्टर्स होते हैं बट जब नरेट करो तब लगता है कि ये सही है कि गलत है. सना बिल्कुल माइंड में नहीं थी और जब माइंड में आई आई डिडंट वांट टू वर्क विथ हर एट ऑल बट जब उनको मिला एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट सना जब उनको मैंने नरेट किया था. जनरली यू मीट एक्टर्स जो
they want to be very smart, asking director some few questions after the narration के फटाफट पूछूँ, and उसमें वो लोग गलती कर देते हैं, they show how dumb they are. The best thing about Sana was she said कि विशाल मैंने स्टोरी समझ ली है, give me 3-4 days to ask you questions because I can't ask you right now because अभी तो स्टोरी जा रही है, I'm just absorbing it. So that was the time I say कि यार she is going to be the perfect. And of course when जब उन्होंने हाँ बोली, when we started with the designing the costumes, and because she's a such a glamorous girl, she was so into the character in the costumes and everything initially pre-production mein. Actually when you have production like T series, you don't face any kind of difficulties because they are very much clear. I mean pre-production hum log ka generally itna clear hota hai, so we don't go through this tough situation. I think whatever you want, whenever you want, you get it. So wo mujhe bilkul bhi problem nahi hua. The only problem was to make this film correct because it's a very new thriller, and I really mean it, it's a very new thriller. Generally we just say it ke naya hai to log bolenge acha kya naya hai, dekhenge to kya naya tha. So it's a very new thriller which is where we hack the satellite and we show the live murder, and we uska bhi ek reason hai, uski puri story hai, and of course we show ke it's hacking good and it's bad. To hum dono cheez dikhaye, aisa nahi ki hum log ne movie dikha di jo karna hai wo kar lo abhi. So it's not that. But coming to the production house, I think this is one of the best production house I work with, and I want to work with them more and more. Firstly, I want to say ki like aise na mujhe tum dekho and Palpal, wo kabhi bhi, it's not a T series song. So generally people ko ek assumption hota hai ki chalo recreate song tabhi hum karte hai because wo T series ke bank mein hoga. But these two songs were, it's not with T series. Ye music koi dusri music company ke paas the, to Bhushan ji ne wo wahan se unse right liye, then we recreated it. Because it was very apt for the film. But Wajah Tum Ho, the title track, it's a pure romantic song, it's a pure original song jo Mithun ne banaya hai aur Manoj Munteshwar ne likha hua hai. And the best thing, it's such a beautiful song jahan pe whoever, I mean the couples who are in love or who are already in love or who wants to get into love, I think for them is a perfect song. And of course my journey with Bhushan ji for music has always been wonderful from Hate Story 2. आप देखा जाए तो हमेशा हेट स्टोरी 2-3 कहानी के याद हो ना हो, बट गाने ज़रूर याद है. सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू भूषण जी बिकॉज ही हैज़ गॉट अ फैंटास्टिक ईयर फॉर द म्यूज़िक, एंड बिकॉज ऑफ हिम, सिटिंग विथ हिम, आई थिंक गाना का मेरा भी अच्छा हो रहा है अभी. आफ्टर वजह तुम हो, आई एम मेकिंग अ मूवी हेट स्टोरी 4 जो ऑलरेडी उसका प्लॉट बन गया है. वी आर राइटिंग, इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग नाउ, विल बी शूटिंग समवेयर इन फेब, वी आर शूटिंग अब्रॉड and on a very larger scale, and it's a very, again I'm saying, it's going to be a new thriller. And of course after that also we're working on a romantic subject, because after Hate Story 4 I'm taking a break from thriller and getting into romance, because I think I'm very good in that. So I'm making, we are, so right now two projects, and of course then later a few projects talks on.